हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने कवर किया था, कि मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग स्केल और स्ट्रेच की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्केल और स्ट्रेच। मूव, कॉपी, रोटेट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्केल और स्ट्रेच पर आज ज़्यादा ध्यान देंगे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, आपको ये कमांड आनी बहुत ज़रूरी है। स्केल करना और स्ट्रेच करने में कोई ज़्यादा मेहनत लगती है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वो व्यूअर्स जो अभी नए आए हैं बिल्कुल और देख रहे हैं वीडियोस को और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो इसी वीडियो को जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्य अग्रवाल, विज क्राफ्टर से। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग वेलकम स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस वेलकम स्क्रीन पे हमारे पास तीन सेगमेंट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। इस वीडियो के लिए भी मैंने पहले से ट्यूटोरियल बना रखा है स्केल और स्ट्रेच के नाम से, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो जब तक वो ओपन हो रहा है, तो तब तक गाइस मैं आपको बता दूँ कि स्केल और स्ट्रेच बहुत कन्फ्यूजिंग कमांड है। तो उस कन्फ्यूजिंग कमांड को हमें ध्यान में रखना है कि क्या कैसे स्केल होता है, कैसे स्ट्रेच होता है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। लोग पुश और पुल में कन्फ्यूज़ होते हैं, हमें स्केल स्ट्रेच में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्केल कमांड जिसका एलियास होता है एस सी एंटर, एस सी गाइस, और स्ट्रेच कमांड जिसका एलियास होता है एस एंटर, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्केल का मतलब होता है गाइस किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना या छोटा करना साइमल्टेनियसली बोथ द डायरेक्शंस में, एक्स में भी, वाई में भी, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी, तो उस चीज़ को हम लोग स्केल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका साइज़ है 120x60 का, जिसको स्केल किया है डेढ़ गुना, तो वो हो गया 180x90 का। पर इसमें एक बेस पॉइंट लेना पड़ता है, जैसे मूव और कॉपी में बेस पॉइंट है, ऐसे इसमें भी बेस पॉइंट होता है। ऐसे अनदर एग्जांपल देखें तो खाली एक क्लोज ऑब्जेक्ट ने, एक ओपन ऑब्जेक्ट है लाइन, उसको स्केल किया हुआ है और उसका पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, तो वो भी चेंज हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और यह वाले का अगर हम एग्जांपल देखें, तो इसमें बेस पॉइंट मैंने सेंटर में ले लिया है, लेफ्ट साइड पर नहीं लिया है। तो गाइस देखते हैं इस पर काम होता कैसे, बना के देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम एक रेक्टेंगल कमांड पर जाते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ एट द रेट 100.50 का। सपोज़ मैंने 100.50 का एक रेक्टेंगल बना दिया और मैं इसकी डायमेंशन भी देता हूँ। आपको पता है ये डायमेंशन कैसे देनी है, नहीं पता है तो वीडियो का लिंक फ्लैश हो ही रहे हैं, प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, आपको पता लग जाएंगे, आप देख लीजिए वीडियो को। तो लीनियर ले लेते हैं गाइस और लीनियर में निकालते हैं, तो ये 100 आता है हमारे पास। और अगर डायमेंशन लीनियर में जाते हैं और देखते हैं, ये 50 आता है। तो अब इसे स्केल करना है गाइस। रेक्टेंगल तो हमें मिला था ड्रॉ बार में, स्केल और स्ट्रेच मिलते हैं हम लोगों को मॉडिफाई बार में। डिपेंड करता है कहाँ से सेलेक्ट करना है, मेन्यू बार सेलेक्ट करना है, पैनल सेलेक्ट करना है, या फिर एलियास। तो मैं एलियास यूज़ करता हूँ एस सी एंटर करके। जैसे ही एस सी एंटर किया, उसने कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एक या एक से ज़्यादा। तो रेक्टेंगल तो है, ये पॉलीलाइन है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट डायमेंशन साथ में है, तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडो बना के। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का ही खेल है गाइस। अगर आपने यहाँ पे बेस पॉइंट लिया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आपने बेस पॉइंट लिया और आपने यहाँ पे स्केल फैक्टर डाला 2, तो वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर को फिक्स करेगा और उसके रिगार्डिंग में इसको डबल कर देगा। ध्यान से देखिएगा, 100x50 का बनने वाला है, 200x100 का बन चुका है, बट आपका वो जो पॉइंट है वो फिक्स था। मैंने अपना क्रॉस हेयर मूव नहीं किया गाइस, क्रॉस हेयर वहीं खड़ा हुआ है। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ गाइस। दोबारा देखते हैं, एस सी एंटर करते हैं, फिर से जाते हैं स्केल ऑब्जेक्ट में, विंडो बना के सिलेक्ट करते हैं। अब की बार बेस पॉइंट लेता हूँ सेंटर, तो सेंटर पर क्लिक किया और अब वो फैक्टर मांग रहा है, फैक्टर डाला 2। तो सर सेंटर फिक्स रहा गाइस, बट बाकी चीज़ आपकी बड़ी हो गई। डिपेंड करता है बेस पॉइंट पे, दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इधर उधर बेस पॉइंट लेके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंजेस होते हैं। ये थी क्लोज बॉडी। अब बात करते हैं ओपन बॉडी की। सपोज करते हैं एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, और लाइन के मैंने वैल्यू ले ली 150 की लाइन बना ली। इसकी मैं डायमेंशन ले लेता हूँ लीनियर से, जैसे डायमेंशन ली 150 की, इसको स्केल करना है। डिपेंड करता है लेफ्ट से लूँ बेस पॉइंट, सेंटर से लूँ या राइट से लूँ। तो मैं स्केल कमांड पर जाता हूँ, वो कहता है स्केल ऑब्जेक्ट्स, मैंने विंडो बनाई, पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, फिर मैंने बेस पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया गाइस। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको करना चाहता हूँ 200। तो यहाँ पे मैं गाइस क्या करूँगा, स्केल फैक्टर में टाइप करूँगा 200/150। तो जैसे मैं 200/150 करूँगा, तो गाइस क्या होगा देखते हैं, तो ये जो लाइन होगी वो 200 की हो जाएगी, क्योंकि 150 की तो स्केल वैल्यू थी, 200 की मुझे करनी थी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीज़ तो समझ आ गई हो। अब की बार बेस पॉइंट चेंज करता हूँ, इसी को स्केल करता हूँ एस सी से। अच्छा, ऊपर से लेके दिखाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर पैनल में देखिए, ये रहा स्केल, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। स्केल पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट बनाइए, सेलेक्ट कीजिए पूरा का पूरा, सेंटर पॉइंट ये ले लेता हूँ। अब की बार छोटा करना है इसको, तो 0.5 कर देता हूँ। 0.5 करने से गाइस क्या होगा, ये 200 को 1 मान रहा है, तो 0.5 करूँगा तो 200 का 100 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
तो जैसे ही मैंने उसका फैक्टर 0.5 किया, वैल्यू नहीं फैक्टर 0.5 किया, तो वह छोटा हो गया। आगे चलते हैं गाइस, आई होप आपको समझ आ गया हो। जैसे ही एस सी एंटर करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं गाइस, एस सी, देखिए अभी मेरे से गलती से एस एंटर हो गया था, स्ट्रेच दब गया था, स्ट्रेच नहीं एस सी एंटर करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, नीचे आपका ऑप्शन आता है बेस पॉइंट देने को कह रहा है, अब आपका बेस पॉइंट देना है तो बेस पॉइंट दे देते हैं हम यहाँ पे, नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, तो आप उसे कॉपी भी कर सकते हो, सी एंटर कर देंगे, स्केल फैक्टर डाल रहे हैं तो मैं 2 डाल देता हूँ, तो क्या हुआ गाइस, उसने 100 की लाइन के ऊपर एक और 200 की लाइन बना दी और उसको 100 को भी रहन दिया। इतना अच्छा क्लियर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको देखते हैं, मेरे को नहीं पता इसका साइज़ क्या है, बट स्केल करते हैं कॉपी के रिस्पेक्ट में, स्केल में गया, सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेंटर लिया, स्केल फैक्टर ट्वाइस डालना था पर उससे पहले कॉपी किया, कॉपी करने के बाद स्केल फैक्टर ट्वाइस डाल दिया, तो आपका जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था गाइज वो तो रहा ही रहा, बट एक ट्वाइस एक हुए ऊपर एक और रेक्टेंगल आपका बन गया। तो गाइज इसे कहते हैं स्केल कमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, की पॉइंट क्या है, बेस पॉइंट ध्यान रखना है, कहाँ पे ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में चीज़ बड़ी या छोटी होगी, समझ आ गया गाइज। आगे चले स्ट्रेच कमांड सीखते हैं, स्ट्रेच पे कैसे काम करते हैं, तो आ जाते हैं पहले स्ट्रेच के एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रेच रबर की तरह इलास्टिक, खींचना, हॉरिजॉन्टल खींचना चाहते हैं, वर्टिकल खींचना चाहते हैं, किसी पॉइंट के रेफरेंस में खींचना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला जो रेक्टेंगल है 120 बाय 60 का है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल खींचना है, तो मैंने वहाँ दिखाया है लाइन ऑफ स्ट्रेचिंग, जो रेड कलर की लाइन्स है वो स्ट्रेचिंग लाइन्स है, और जो उसके बाद जो एग्जांपल है वर्टिकल स्ट्रेचिंग, उसमें वर्टिकल लाइन्स रेड है, तो जो रेड है वही स्ट्रेच होंगी। बट गाइस इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो उसका की पॉइंट है, वो है सिलेक्शन, कि हम सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं। सपोज करते हैं एक और रेक्टेंगल बनाते हैं एट द रेट 120 बाय 60 का, एक रेक्टेंगल बना दिया, सपोज इसकी मैं डायमेंशन भी दे देता हूँ आपको अच्छी तरह समझाने के लिए कि 120 बाय 60 का। अब गाइस स्ट्रेच कहाँ मिलता है, फिर से ऊपर चलते हैं मॉडिफाई बार में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्ट्रेच, ये रहा स्ट्रेच आपका, या फिर आप पैनल में स्ट्रेच यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसका एलियास क्या होता है, हाँ यू आर राइट, एस एंटर। तो जैसे ही हम एस एंटर करते हैं फिर वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस इसमें अगर मैं पूरी विंडो बना के स्केल की तरह ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर वो कहता है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कहीं पे भी ले लूँगा, तो ये गाइस ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये एज अ मूव की तरह काम करेगा। देखिए ये मूव की तरह काम किया, पर हमें मूव नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है। अगर पूरी विंडो बना के सिलेक्ट करूँगा तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच कैसे करते हैं गाइस, उसके लिए विंडो का ही एक गेम है, एस एंटर कीजिए, आपने अगर इसको 120 को 240 करना है, आपने उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है, तो आपको विंडो कुछ ऐसे बनानी है, 120 के जो लेफ्ट वाली लाइन है जो विंडो से बाहर है वो फिक्स लाइन है, जो 120 के नीचे वाली दोनों लाइन से जो विंडो काट रही है वो एज अ रबर की तरह काम करेगी, जहाँ 60 लिखा हुआ और 60 वाली जो लाइन है वो एज अ मूव की तरह काम करेगी। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा फिर वो मुझे कहेगा बेस पॉइंट, बेस पॉइंट के लिए मैंने यहाँ लिया, मैंने राइट की तरफ ड्रैग किया, जितना ड्रैग करना है और जितनी भी वैल्यू डालनी है मैंने वो डाल दी, मेरे को 120 स्ट्रेच करना था, मैंने 120 डाला तो वो 240 स्ट्रेच हो गया, समझ आ गया गाइस। अब सपोज करते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेच करना है, तो फिर से मैं ऐसे एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ, तो 240 और उसके नीचे की लाइन वो मूव, और जो सबसे नीचे वाली लाइन वो फिक्स, जो दो लाइन्स को काट रहे हैं और 60 को काट रहा है वो स्ट्रेच की तरह काम करेगा गाइस। तो आप उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने बेस पॉइंट दिया और उसको ऊपर की तरफ जितना आपने लेना है एफ8 ऑन कर लीजिए और तो ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए आप 60 की, तो हमने 60 यहाँ पे डाला और वो 120 पे कन्वर्ट हो गया। आई होप गाइस आपको स्ट्रेच समझ आ गया हो। अब बहुत बार स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, सर हमें किसी कॉर्नर पॉइंट को स्ट्रेच करना है तो कैसे होगा, तो मैंने एस एंटर किया, मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बनाया। अब मैंने क्या किया गाइस, इस बार दोबारा देखिए, एस एंटर किया, इस बार मैंने ऐसे विंडो बनाई, तो 240 के नीचे वाली लाइन और लेफ्ट वाली लाइन फिक्स है, बाकी जो दो लाइंस हैं उसको काट रही है, 120 को काट रही है, तो मतलब वो दोनों एज अ रबर की तरह काम हो गया। बेस पॉइंट मैंने ये लिया, एफिट बंद किया, और मैं इसके रिगार्डिंग भी मैं उसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट्स के रिगार्डिंग में स्ट्रेच नहीं कर सकते, हम पॉइंट के रिगार्डिंग में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो गाइस स्ट्रेच करते टाइम प्लीज़ ध्यान रखिए पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, ये उसका यूएसपी है। सिलेक्शन देते हुए बिल्कुल ध्यान रखिए, वरना बहुत बार स्टूडेंट्स मूव करते रहते हैं, कहते हैं सर स्ट्रेच तो हो ही नहीं रहा, फिर दिक्कत आती है, फिर कॉल करते हैं, रात को भी कॉल करते हैं, तो प्लीज़ आप मत कीजिएगा ऐसा, सिलेक्शन लीजिएगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट लाइन में लिखिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप लोग उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बने रहिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या कवर करेंगे वो आज नहीं बताऊँगा ताकि वो आपके लिए थोड़ा सस्पेंस बना रहे। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।